हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड 2021 के HSC एग्जाम, यानी कि आपके 12th के एग्जाम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि कई सारे बोर्ड्स के जो है 12th के HSC के एग्जाम या तो कैंसिल किए जा रहे हैं या तो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो उसी तरह से गाइस, महाराष्ट्र का 10th का बोर्ड तो कैंसिल कर चुके थे पहले, और 12th का यहाँ पे पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अभी वापस गए। इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या अपडेट आई है आप लोगों के महाराष्ट्र बोर्ड 2021 HSC 12th एग्जाम के बारे में आपको बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र HSC एग्जाम 2021 कैंसल। यहाँ पे आप देख सकते हैं DNA इंडिया की वेबसाइट, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ने आपको क्लियरली लिखा दिखाई देगा कि आपका महाराष्ट्र का गाइस HSC यानी कि 12th का जो बोर्ड है वो कैंसिल किया जा चुका है। आप लोगों को गाइस अब यहाँ पे 12th का एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स एग्जाम के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके रहेंगे कि आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे 12th का नहीं, यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब गाइस आगे के जो भी प्रोसेस है कि रिजल्ट किस बेसिस पे आप लोगों का जनरेट किया जाएगा, क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा रिजल्ट जनरेटिंग का, वो सारी डिटेल्स हम आपको एक अगले वीडियो में बता देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज मिल पाई हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और हाँ, दोस्तों को गाइस सब्सक्राइब करना बोलना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।